भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नकुल शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए बिहार में भी आ पहुंचा है। इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी करने के बाद अब नकुल शर्मा के समर्थन में लोग सामने आने लगे हैं। बिहार के आरा में नकुल शर्मा के समर्थन में एक धर्म सभा आयोजित की गयी, जहाँ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ABVP के लोग शामिल है। इस सभा में नकुल शर्मा के बयान को सही बताते हुए मुसलमानों को धमकी गई। इतना ही नहीं, कहा ये सारे मुसलमान पाकिस्तान के, इन्हें वहीं भेज देना चाहिए। हिंदू संगठन के नेताओं ने बयान देते हुए कहा कि कोई भी नकुल शर्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर नकुल शर्मा को कुछ भी होता है तो 100 करोड़ लोगों को तुम झेल नहीं पाओगे। साथ ही उन्होंने धमकी दी, अगर तुम हिंदुओं को छोड़ोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सभा के दौरान हिंदू संगठनों के लोग टॉर्च व भगवा झंडे के साथ रात भर कोहराम मचाते रहे। इतना ही नहीं, जय श्री राम के नारे भी लगाते रहे। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, साथ ही समर्थन रैली भी निकाली गई। हैरानी वाली बात ये है कि इस मामले में बिहार पुलिस ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे पहले हाजीपुर में हिंदू पुत्र संगठन की ओर आयोजित आरती कार्यक्रम के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मस्जिद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया था। कार्यकर्ताओं ने नकुल शर्मा संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं का नारा लगाया। साथ ही पाकिस्तान परस्त मुर्दाबाद, लव जिहाद मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मस्जिद के पास जाकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई और हालात न बिगड़े इसके लिए DM SP खुद मौके पर पहुंच गए। वहीं अब बिहार के आरा के रमना मैदान में नुपुर के समर्थन में विशाल सभा की गई। ये सभा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ABVP के लोगों ने संयुक्त रूप से की थी। इस सभा के बाद रैली भी निकाली गई और कहा गया कि हमारी चुप्पी को कमजोरी न समझिए। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कोई भी नकुल शर्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकता, अगर नकुल शर्मा को कुछ भी होता है तो 100 करोड़ लोगों को तुम झेल नहीं पाओगे। साथ ही उन्होंने कहा अगर तुम हिंदुओं को छोड़ोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सभा के दौरान हिंदू संगठनों के लोग टॉर्च और भगवा झंडा लेकर रात भर झूमते नजर आए। इस तरह खुलेआम मुसलमानों को धमकी देना क्या हमारे संविधान के खिलाफ नहीं? एक धर्म के लोगों को इस तरह धमकाना, उन पर जुल्म करना कहाँ का इंसाफ है? सवाल ये उठता है कि ऐसे मौकों पर पुलिस कहाँ गायब हो जाती है? क्या इस तरह की सभा रखकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जा रही? इस खबर में सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहें MIM News Express के साथ।